राजसमंद में मोबाइल की गुमशुदगी की लगातार घटनाओं के बीच आज बरामदगी की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजसमंद में पुलिस के इससे एक बड़ी कामयाबी आई है, जिसमें तकरीबन 223 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो गुमशुदगी की तमाम घटनाएं हुई उसमें 821 मोबाइल की गुमशुदगी की खबर है, उसमें से 223 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपये बताई जा रही है। गुमशुदा मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हेतु चलाए गए इस विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिला स्तर पर स्थापित साइबर सेल एवं समस्त थानों द्वारा अलग अलग कार्रवाई करते हुए भारत संचार के दुर्विभाग के पोर्टल पर दिनांक 17/5/2023 से अब तक कुल दर्ज 821 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ये 223 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। अब उन मोबाइल को उनके मालिकों तक पहुंचाने का क्रम चल रहा है। पुलिस की इन कवायदों के बीच आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल SP महेंद्र पारिक के माध्यम से काफ़ी मोबाइल ऑनर्स को बुलाया गया और उनको ये मोबाइल यहाँ पर सौंपे गए हैं। तो ये जो तमाम घटनाएं चल रही है उसके बीच में 223 मोबाइल के लोगों तक पहुँचाने की जो तमाम कवायदे चल रही है, राजसमंद जिला पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। सुनिए आखिर इस पर राजसमंद एडिशनल SP महेंद्र पारिक क्या कुछ बोले। 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य पुलिस विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन एंटीवायरस। उस अभियान के तहत श्रीमान IG साहब, SP साहब के निर्देशन में, नेतृत्व में हमारी साइबर टीम और हमारे पुलिस थानों की टीम ने एक संयुक्त प्रयास से जो गुमशुदा मोबाइल थे उनको सर्च करके और एक बेहतरीन प्रयास किया, और उसी का परिणाम ये रहा कि हमने इस अभियान के दौरान 55 मोबाइल हमने रिकवर किए और आज उनके जो मोबाइल धारक थे उनको हमने मीडिया के उपस्थिति में उनको सुपुर्द किए हैं। लगभग जो मोबाइल हमने, अच्छा इस जानकारी में ये भी दे दूँ कि लगभग एक साल से हमारा ये अभियान चल रहा है। तो उस अभियान के तहत हमने जो CEIR पोर्टल है उस पर 821 के आसपास हमारी गुमशुदगियाँ दर्ज थी, उन उसी के क्रम में हमने 223 मोबाइल हमने कुल रिकवर किए, बरामद किए थे। उनकी तकरीबन कीमत 35 लाख के आसपास है। और इस अभियान में जो पिछले एक महीने में चल रहा है ऑपरेशन एंटीवायरस, उसके तहत हमने 55 मोबाइल्स हमने रिकवर किए थे। ये कहाँ कहाँ के, राजसमंद जिला मुख्यालय या नहीं, उसके काफ़ी बाहर के भी हैं, मतलब हेडक्वार्टर मुख्यालय के नहीं, गाँवों के भी हैं, आस पास के गाँव के अलग अलग जगहों के ये मोबाइल धारक हैं। सर, ये केवल गुमशुदा है या चोरी किए हुए के साथ कोई आरोपी भी गिरफ्तार नहीं? इसकी भी जांच की जा रही है, और अगर ऐसा कुछ आता है तो नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।